जहां आंदोलन फेल हो जाए, राजनीति बेअसर हो जाए, वहां काम करती है आस्था। जी हां, कुछ ऐसा ही कटनी के खिरहरी गांव में नर्मदा घाटी दाई तट निर्माण स्थल पर पहुंच गई काली माता और वहां हंगामा किया कि कर्मचारी अधिकारी काम छोड़कर भाग निकले। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। खत्म कर दे तुमको, देखते हैं कंपनी बारी के पौधे वाले जो कोई यहाँ से खोदेगा तुम जी तो चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। वजन भूल गई करी करप हम काली नांग निकले हैं दो तीन भाई है बंद हो गई हाथ का हाथ पचास हो गए बाकी मेहरबानी नहीं सुन रहे। देवी जी को जैसे भाव आया है तो आपको बड़े गाँव वाले काम काम चालू था उस समय जानकारी बहुत महाकाली है आसमानी प्रशासन भी रह गया सन, कर्मचारी रह गए दंग। जब नहर का निर्माण रोकने खुद त्रिशूल लिए पहुंची काली आसमानी के संग। ये नजारा है कटनी से 40 किलोमीटर दूर नर्मदा घाटी दाई तट नहर निर्माण स्थल का। गांव खिरहरी जैसे ही नहर खुदाई का काम शुरू हुआ काली देवी निर्माण स्थल पर पहुंच गई। गांव की ही छात्रा मीरा का ये रूप देख सब हैरान रह गए। हाथ में त्रिशूल लिए काली काम कर रहे कर्मचारियों के लिए चंडी बन गई। देखा देखी गांव की ही दो और औरतें भी माता काली को असिस्ट करने पहुंच गई। कुछ डर और कुछ माहौल का असर, कर्मचारियों को काम बंद करना पड़ा। गांव वालों की भीड़ और जयकारों के बीच कौन टिकता। नहर का काम था, इससे मतलब यही रोड पर लग गया जिससे कि माता रानी नष्ट हो गई और एक कन्या थी उसका नाम मीरा बाई है उसी को सवार हो गई और पड़ोसन भी एक है उसका नाम तो संग नहीं जानता उसी को आ गई है। प्राचीन मंदिर है काली जी का, वहाँ से आने के बाद यहाँ से रस्ता क्रॉस करने के बाद वहाँ एक चबूतरा बना भोलेनाथ का, वहाँ से त्रिशूल ला के यहाँ पर खड़ी हो गई। इसके बाद गाड़ी जो चला रहा था पोकलीन वो भागा उतर। असल में ये पूरा मामला रास्ते को लेकर है, जिस जगह नहर खोदी जा रही है वहीं से गांव के काली मंदिर और शमशान का रास्ता जाता है। गांव वाले काफी वक्त से इस निर्माण का विरोध कर रहे थे लेकिन प्रशासन ने काम शुरू कर दिया तो खुद काली ही रुष्ट हो गई। यहाँ जो नहर खोद रही है यहाँ से हम लोगों का बहुत सदियों पुराना सर, जब से हम मतलब जाने जब से उस वक्त पुराने सारे जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि सदियों से यहाँ रास्ता है, यहाँ मुक्ति धाम भी है और मुसलमान भाइयों का कब्रिस्तान भी है। निर्माण में लगे कर्मचारी अधिकारी एक तरफ हो गए लेकिन काली और आसमानी वहीं डटी रही। लोगों ने भी वहां धूप अगरबत्ती का इंतजाम कर दिया। देवी की मांग, भक्तों को रास्ता दो वरना। मेरे को जब तक रास्ता नहीं मिलती जब तक है से तरपो नहीं। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन उन्हें भी आस्था के इस आंदोलन से निपटने की राह नजर नहीं आई। रास्ते की मांग को लेकर के एक 16-17 साल की कोई मीरा कुशवाहा नाम की बालिका है, उसने कोई देवी आई है और उनका ये कहना है कि हमें ये शो करके हमारे गांव में और रस्म कर जाने का रूढ़िगत पर परंपरागत रास्ता था और नहर के बन जाने से वो रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। तभी इलाके का दौरा करते मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल साइट पर पहुंच गए। उन्होंने इस पूरी घटना को अंधविश्वास की नौटंकी करार दिया। ये फालतू बात है, मतलब जो देवी देवता किसी व्यक्ति में आए तो मिलने जाएंगे देवी जी का नहीं। मानना तो हमारा भी यही है कि देवी देवता की सवारी महज अंधविश्वास है लेकिन यहाँ इसी अंधविश्वास को अपनी बात मनवाने का तरीका बनाया गया है। प्रशासन ने पहले लोगों के विरोध को मुआवजे की बात कहकर खामोश कर दिया था, अब लोगों ने इस अधिग्रहण के खिलाफ आस्था का हथियार इस्तेमाल किया है। हरिशंकर पांडे, सहारा समय, कटनी।